हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे मार्च 2022 के थर्ड वीक के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले। तो फ्रेंड, यहाँ हमें बताना है कि चिले देश के जो सबसे युवा राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा गैब्रियल बोरिक इज द राइट आंसर, जो कि चिली देश के सबसे युवा प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। फ्रेंड, बात करते हैं चिली कंट्री की। तो चिली जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है सेंटियागो। करेंसी है यहाँ पे पेसो। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा रणजीत रथ, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो ये आपको सिंपली बस वन लाइनर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच प्लेयर हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300। तो फ्रेंड, जो जर्मन ओपन सुपर 300 जो टूर्नामेंट हुई है बैडमिंटन, इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो थाईलैंड के कुनलावुत बितिदरसान के द्वारा जो है वो ये टूर्नामेंट जीता गया है। देखिए, इन्होंने फाइनल में ना इन्होंने किसे डिफ़ीट किया है, तो इंडिया के लक्ष्य सेन को इन्होंने फाइनल में डिफ़ीट किया था। और इन्होंने जीता है जर्मन ओपन 300 का मेन सिंगल का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022 सेलिब्रेटेड। फ्रेंड, ये जो दिवस है ये 14 मार्च को सेलिब्रेट होता है, इसको पाई डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर पाई डे के नाम से पूछ लिया तो भी आपका आंसर रहेगा 14th of March। ये दिन देखिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एजुकेट पीपल अबाउट द एसेंशियल रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस ऑब्जेक्टिव को लेकर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इस बार की थीम रही मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, हिंदी में से बोलेंगे गणित एकता। तो ये रही है इस बार की इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड द ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसको क्यों शुरू किया है, टू ईज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास। भाई, जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा होती है उसकी खरीद को, उसको जब खरीदते हैं ना लोग, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको आसान बनाने के लिए माई ईवी ये जो पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की हेल्प से देखिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, कस्टमर्स को अगर वो ई रिक्शास को ख़रीदते हैं तो ई रिक्शा को ख़रीदने के लिए उनको सहायता देगी। साथ ही साथ में देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिक रिक्शा बायर्स को एक तरीके से 25,000 से लेके 30,000 रुपये तक की जो है वो उनको सब्सिडी दी जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। सबसे तेज इन्होंने 50 यानी अर्धशतक बनाया है इंडियन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। और ये कौन से बैट्समैन बन गए हैं, आपका आंसर रहेगा ऋषभ पंत इज़ द राइट आंसर। देखिए, ऋषभ पंत ने ना कपिल देव जी के स्कोर को भी पीछे छोड़ा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 28 बॉल्स में 50 बनाया है। तो 28 बॉल्स में उन्होंने 50 रन बनाकर कपिल देव जी का भी जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है। ओके, अगर हम इससे पहले रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 1982 में जो कपिल देव जी ने पाकिस्तान के खिलाफ 30 बॉल्स में बनाया था 50, और ऋषभ पंत ने कितने बॉल्स में बना दिया है, 28 बॉल्स में बना दिया है। और ये जो मैच हुआ था वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द
एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर, लगातार चौथे वर्ष कौन सी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है? सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो लगातार चार सालों से जो एयरपोर्ट है वो टॉप पोजीशन पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द खेल महाकुंभ इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखिए ये भी ध्यान रखिए कि इस खेल महाकुंभ का इनॉग्रेशन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बात करते कहाँ किया गया है, तो गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। बात करें फ्रेंड गुजरात की, तो कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत। गुजरात की अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की, तो अरविंद यहाँ पे कुमार भी आएगा, अरविंद कुमार है यहाँ के चीफ जस्टिस। गुजरात की जो कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा है वो सबसे बड़ी है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में एक ध्यान रखेंगे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सेकंड देखिए ब्लैक बक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपके गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021। ये जो रिपोर्ट है इसको लंडन एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड इसमें भारत की रैंक की, तो भारत इसमें रहा है सेकंड प्लेस पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक तो भारत की रैंक, सेकंड चीज़ कि इस पे पहली पोजीशन पर कौन है, तो यूएस इसमें पहले नंबर पे है, इंडिया इसमें सेकंड नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे है चाइना। इसको लंडन एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है जिसका हेडक्वार्टर है लंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स जिसे हम साहित्य अकेडमी भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा एक बुक पब्लिश करी गई जिस बुक का टाइटल है मॉनसून, उनकी 68th एनिवर्सरी के ओकेजन पर। यहाँ हमसे पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, इस बुक के ऑथर कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा अभय के इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड अभय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। फ्रेंड एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन देखिए एयर इंडिया के चेयरमैन पद पे दूसरी बार सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं अगले 5 सालों के लिए। एयर इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्टेब्लाइशमेंट हुई 15 अक्टूबर 1932। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वर्ल्ड पीस बी एस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुरुग्राम हरियाणा में इसको स्थापित किया जाएगा। वेयर विल द बिम्स्टेक समिट 2022 बी हेल्ड। जो भी हाल ही में देखिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया, और ये इसका 5वां एडिशन था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 6 जून 1997। इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये तो दिवस है ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस है टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनके जो राइट्स है उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, ये इसका मेन पर्पस है। और इस बार की इसकी थीम रही है फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड जिसे हम कहते हैं बाफ्टा। तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। इसी में अगर हम और विनर्स की बात करते हैं तो फ्रेंड देखिए बेस्ट डायरेक्टर ये दिया है जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल ये किसे गया है, जोनास स्केलन को
आफ्टर लव के लिए अगर हम लीडिंग रोल में बात करते तो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल किसे दिया है, बिल स्मिथ को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में एरियाना डेबोस, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्रॉय कॉस्टर। तो ये हमें बाफ्टा से ध्यान रखने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेडल हैज़ बीन वोन बाय इंडियन प्लेयर लक्ष्य सेन इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300। तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि इसमें इनको डिफीट किया गया था और इन्होंने इसमें कौन सा मेडल जीता है, तो आपका आंसर रहेगा सिल्वर मेडल जीता है। इसका वेन्यू कहाँ पे है, तो ये जो चैम्पियनशिप है ना, इसका आयोजन जर्मनी में ही किया गया था और इसका 69th एडिशन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021, जिसको सिप्री ने रिलीज़ किया। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा हथियारों में सबसे बड़े आयातक के रूप में कौन से देश जो हैं वो शीर्ष पर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। तो बोथ इज़ द राइट आंसर, तो इसलिए आप अपना ऑप्शन सी लगा के आएंगे। अगर हम टॉप थ्री कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे तो इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों है, सेकंड नंबर पे है इजिप्ट, थर्ड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। इस रिपोर्ट को सिप्री ने रिलीज़ किया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्टॉकहोम में। तो ये हमें ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज़ महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक, जिसका नाम रखा है एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी। तो कहाँ इसे लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा इस जो डेटा बैंक है, वाटर डेटा बैंक है, इसको लॉन्च किया गया है। अब इस वाटर टैंक के थ्रू क्या होगा, देखिए इस एक्वेरियम के थ्रू इट इज़ प्लान टू ट्रेन मोर देन 10 लाख यूथ इन द एरियाज ऑफ वाटर सैनिटेशन, हाइड्रोजियोलॉजी एंड डेटा साइंस, एंड इट विल वर्क ऑन सोशल फ्रेंचाइज मॉडल। तो इसमें देखिए 10 लाख यूथ को इसमें एक तरीके से इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी उनको इन सब एरियाज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे यानी विश्व संपर्क दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड ये जो दिवस है ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो फ्रेंड देखिए अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी चेंज हुई है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे इस बार विजय रही और इससे जीत हासिल करी, और उस आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं भगवंत मान, ये बने हैं पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखिए कि फ्रेंड ये पंजाब के 18th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं आफ्टर द हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ द आम आदमी पार्टी इन द पंजाब असेंबली इलेक्शंस, और इन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को रिप्लेस किया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड। देखिए हमें बताना है कि ये जो चैम्पियनशिप है ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड जॉर्डन। तो एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैम्पियनशिप खेल का आयोजन जॉर्डन में किया गया है। इसमें इंडियन बॉक्सर के द्वारा 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 14 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते इस टूर्नामेंट में। ठीक है, वहीं अगर हम जूनियर में बात करते हैं तो 28 मेडल्स एंड 18 इन द यूथ कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपन्ड। तो इंडिया का जो पहला इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है, इसे कहाँ ओपन किया गया है, तो देखिए फ्रेंड सही आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटका में इस पार्क को ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड। फ्रेंड ये जो दिवस है ये 16th ऑफ मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।
16 मार्च को क्यों किया जाता है? देखिए, ये हाईलाइट करता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट डेडली डिसीज़। और इसी दिन देखिए 1995 में भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, तो इसी दिन को एक कमोमरेट करने के लिए बनाया जाता है ये दिन। अगर हम बात करते हैं इस दिवस की देखिए थीम की, तो 2022 में जो इसकी थीम रही है वो है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडियन वुमेन्स टीम इन द जूनियर एशियन हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2022? तो इस चैम्पियनशिप में इंडियन वुमेन्स टीम ने जीता है इसमें गोल्ड मेडल। तो याद रखेंगे कि भारतीय महिला टीम ने इसमें ये जो चैम्पियनशिप थी देखिए कजाकिस्तान में हुई थी, और इस चैम्पियनशिप में उन्होंने थाईलैंड की टीम को डिफीट किया और इसमें गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा केरला। फ्रेंड देखिए, टॉप थ्री स्टेट की बात करते हैं, तो पहले पे केरला है, सेकंड पे है महाराष्ट्र, एंड थर्ड पे है इसमें तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द फिडे चेस ओलंपियाड 2022 गेम बी ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड बात करते हैं कि जो फिडे शतरंज ओलंपियाड खेल है 2022, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा, वो भी कहाँ पे? चेन्नई में। बात करते हैं देखिए फ्रेंड अब फिडे की, तो फिडे देखिए इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन आप कह लीजिए इसको, या वर्ल्ड या इंटरनेशनल ही कहिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। विश्व में जितने भी शतरंज यानी चेस से रिलेटेड गेम होते हैं उन सभी को फिडे ही रेगुलेट करता है। इसके स्टेबलाइशमेंट हुई 20 जुलाई 1924, इसका हेडक्वार्टर है लॉजिन स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आर्कडी ड्वारकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी जिसका नाम रखा है इंद्रायणी मेडिसिटी, ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, जो कि भारत की पहली मेडिकल सिटी रहेगी? और इसे फ्रेंड पुणे महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस? सही आंसर हो जाएगा तपन सिंघेल, जो कि बजाज एलियान्स जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं। यूनियन एनर्जी मिनिस्ट्री आर के सिंह वेयर वॉज? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं आर के सिंह, उनके द्वारा इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क, इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मानेसर हरियाणा। तो मानेसर हरियाणा में इस पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, किसके द्वारा ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आर के सिंह के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? तो फ्रेंड यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया देखिए कि मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा पोलैंड की कैरोलिना विलासवा के द्वारा जो है मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता गया है। इसमें ध्यान रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स की श्री सैनी है वो फर्स्ट रनर अप रही इस कॉम्पिटिशन में, इंडिया की जो मानसा वाराणसी है उन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इसका वेन्यू है प्यूर्टो रिको और इसका एडिशन है 17th। अगला क्वेश्चन है देखिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया। अब हमें इस व्हीकल का नाम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा टोयोटा मिराई। तो इस व्हीकल का जो नाम है वो क्या है, टोयोटा मिराई है। वेयर हैज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज ऑफ SSLV? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है,
राइट आंसर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसरो के द्वारा SSLV का जो सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज है, इसका परीक्षण यहाँ पे किया गया है। इसरो जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, इसकी स्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और इसके प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फ्रेंड बात करते हैं इसमें भारत कौन से रैंक पर है, तो भारत जो है वो इसमें फिफ्थ रैंक पर है, यानी भारत इसमें पाँचवें नंबर पर है। टॉप थ्री कंट्रीज़ में पहले पे US है, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है जापान। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ वॉन द एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एट IFR एशिया अवार्ड 2021। तो इन अवार्ड्स में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन से बैंक ने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने जो है वो ये अवार्ड जीता है। एक्सिस बैंक की स्टेब्लिशमेंट 3 दिसंबर 1993 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है राकेश मखीजा और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ ₹1.42 लाख करोड़ फॉर जम्मू कश्मीर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो फ्रेंड देखिए, जम्मू कश्मीर का जो बजट है, इस बजट को किसने पेश किया है, द राइट आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन द रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। तो कौन सी सिटी है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रही है भारत में, तो राइट आंसर इज गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो गाज़ियाबाद शहर है वो सबसे ज़्यादा भारत में प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। नॉर्थ इंडिया की अगर हम और पॉल्यूटेड सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें फरीदाबाद, मानेसर, बागपत, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ, हापुर, ये सभी सिटीज़ आ जाएंगी। अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, तो ईस्टर्न रीजन में सबसे पॉल्यूटेड सिटी है सिवान, जो कि बिहार में है। वहीं वेस्ट जोन में सबसे पॉल्यूटेड सिटी है अंकलेश्वर, जो कि है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द SAFF अंडर 18 वुमेंस चैम्पियनशिप 2022 स्टार्टेड द स्पोर्टिंग इवेंट। इस खेल का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है, तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा झारखंड के जमशेदपुर में इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में SAFF बोलते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट देखिए 1997 में हुई। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। इसके मेंबर कंट्रीज है 7, जिसमें है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड भूटान। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड एवरी ईयर टू सेलिब्रेट विच डे एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि ये जो दिन है ना, ये अब से हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, जो कि एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी है। बात करते हैं फ्रेंड इस बुक को लिखा किसने है, तो अभिनव चंद्रचूत के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, वेयर वॉज द 14th इंडिया जापान एनुअल समिट ऑर्गेनाइज्ड। देखिए जो 14वें नंबर का एनुअल शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया में इसका आयोजन किया गया। इस अगर हम इस समिट की बात करते हैं, तो देखिए इसमें भारत की तरफ से कौन थे, नरेंद्र मोदी थी, और अगर हम बात करें जापान की साइड से, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने इस एनुअल समिट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has become the new brand ambassador of sports clothing brand company Puma. तो Puma के देखिए फ्रेंड नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जॉर्ज रसेल. अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ दिशांक ऐप फॉर लैंड सर्वे और गेटिंग लैंड डिटेल्स. तो दिशांक एप्लीकेशन को कर्नाटक स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. इसका मेन पर्पस है टू इनेबल सिटीजन्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड एंड इट्स ओनरशिप एज रिकॉर्डेड इन द लैंड डेटाबेस. देखिए भूमि डेटाबेस में जो भी डिटेल रिकॉर्डेड है ना कि ये भूमि किसकी है, इसका ऑनर, इसके ऑनर कौन है, तो ये सभी डिटेल्स, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो जो सिटीजन्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से. अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2022 सेलिब्रेटेड. तो फ्रेंड 18th ऑफ मार्च को ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. याद रखेंगे 18 मार्च 1802 में क्या हुआ था. देखिए कोसीपुर कोलकाता में भारत की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री इसने स्थापित किया गया था और इसी उपलक्ष्य में 18th ऑफ मार्च को हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा. अगला क्वेश्चन है, हु विल ऑनर्ड विद द 31st जी डी बिरला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च. तो इस फील्ड में जी डी बिरला अवार्ड किसे दिया गया, नारायण प्रधान को, और ये इनका 31st नंबर का जी डी बिरला अवार्ड है, ये भी हमें ध्यान रखना है. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट जिसको रिलीज किया है हुरून प्लेटफॉर्म ने, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हु हैज़ बिकम द richest पर्सन इन एशिया. देखिए अब एशिया में सबसे richest पर्सन बन गए हैं मुकेश अंबानी, ये आपको ध्यान रखना है. और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 3 बिलेनियर्स हैं, पहले नंबर पे है एलन मस्क जो कि टेस्ला स्पेस एक्स के ऑनर हैं, सेकेंड पे है जेफ बेजोस और थर्ड पे है बर्नार्ड अर्नोल्ट. ठीक है फ्रेंड, तो पूरे वर्ल्ड का भी ध्यान रखेंगे और इंडिया का भी. इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी 26th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड. तो फ्रेंड इसका जो संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरला तिरुवनंतपुरम में 26th नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया. इसके बाद है, विद विच कंपनी द ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइन एन MOU टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रेजर क्रूज शिप. तो इसे बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ में जो है वो एक MOU साइन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में इस MOU को साइन किया गया. इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, वेयर विल द 36th इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड. तो फ्रेंड इस कांग्रेस जो सम्मेलन है इसका कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा. ये तीन दिन की पूरी कॉन्फ्रेंस रहेगी जिसमें अपने अपने जो एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे शेयर किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक राहुल बजाज एंड ऑर्डिनरी लाइफ. राइट आंसर इज गीता पीरामल जो कि इस बुक के कौन है, ऑथर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर. राइट आंसर हो जाएगा एन वीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बनी हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ हैप्पी कंट्रीज. तो इसमें भारत जो फ्रेंड रहा है 136 नंबर पे इसमें भारत रहा है. अगर हम टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं तो फिनलैंड जो है पहले नंबर पे, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे जो है वो इसमें है आइसलैंड. और भारत का ध्यान रखिएगा, भारत कौन से नंबर पे है, भारत इसमें है 136 नंबर पे. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो हाल ही में देखिए इसके MD और CEO कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राजेश गोपीनाथन. व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 सेलिब्रेटेड.
द राइट आंसर इज द 20th मार्च, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इस बार की थीम रही है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड, यानी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, ये रही इस बार की इसकी थीम। वेयर विल द क्रिकेट एशिया कप 2022 गेम बी ऑर्गेनाइज्ड, तो इस एशिया कप खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम बात करें तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। क्रिकेट जो एशिया कप होगा इसकी इसका आयोजन देखिए श्रीलंका में इस बार किया जाएगा। टोटल इसमें 6 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, इसे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड देखिए तेलंगाना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, फ्रेंड फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं, तो आपका आंसर होगा प्रशांत झावेरी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज इंडक्टेड द 5th ऑफशोर पेट्रोल शिप जिसका नाम है सक्षम इन द कोस्ट गार्ड फ्लीट, ये जो शिप है ना सक्षम पेट्रोल शिप इसको बिल्ड किसने किया है, तो राइट आंसर इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वें नंबर का जो ये ऑफशोर पेट्रोल शिप है सक्षम इसको डेवलप किया या इसको बिल्टअप किया है। विच ऑफ इट्स रेजिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाई CRPF ऑन 19th March 2022, तो इस दिन जो है वो CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 83rd नंबर का जो स्थापना दिवस है इसे सेलिब्रेट किया है। बात करते हैं फ्रेंड्स CRPF की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 27th of July 1939 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह, इंस्पेक्टर जनरल है PS रानिप से, और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 20th of March। फ्रेंड देखिए जो स्पैरो है ना, जो गौरैया है, इसको संरक्षण देने के लिए ही हर साल ये दिन इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, फ्रेंड तुर्कमेनिस्तान के अभी हाल ही में देखिए राष्ट्रपति बने हैं सरदार वर्दी मुहम्मदोव, ये बन गए हैं तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, फ्रेंड अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की, तो इस बार का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं सेकंड प्लेस पे, तो कार्लोस सेंज जो है वो इसमें रहे हैं सेकंड प्लेस पे, और लुइस हैमिल्टन जो है वो रही है इसमें थर्ड प्लेस पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, द राइट आंसर इज जय शाह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2022 ऑब्जर्व्ड, तो फिर नस्ले भेदभाव के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है 21st of March को, ध्यान रखेंगे इस दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022, तो फ्रेंड इसमें मेन सिंगल का जो खिताब जीता है वो जीता है विक्टर एलेक्सन ने, तो याद रखेंगे विक्टर एलेक्सन जो हैं ये डेनमार्क के प्लेयर हैं, उन्होंने भारत के लक्ष्य सेन को इसमें डिफीट किया है और जीत लिया है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ लेजर वेपन जिसका नाम है रियलिस्टिक क्लाइस्ट्रोन एम्पलीफायर,
और इस एम्पलीफायर को स्पेस में जो सैटेलाइट है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो इसको चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ नाटो। देखिए, नाटो कंट्रीज के जो मेंबर है ना, उनके बीच में कोल्ड रिस्पॉन्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। इसका आयोजन कहाँ शुरू हुआ, इसको कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो फिर नॉर्वे देश में इस अभ्यास का आयोजन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट द असेंबली सेशन इन पेपरलेस मोड थ्रू द प्रोग्राम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, नागालैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन 2022 अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव। देखिए, मालदीव की गवर्नमेंट के द्वारा स्पोर्ट आइकन 2022 से सम्मानित किया गया है सुरेश रैना को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड। फ्रेंड, अगर बात करें विश्व वानिकी दिवस की, तो विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो हर साल इस दिन, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड, ये थे हमारे टॉप 70 क्वेश्चन, यानी हमने पूरे वीक के करंट अफेयर्स को कवर किया। ये सभी जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।